होठों से मुस्कुराए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद टच लाइव ब्यूटी के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्दियों में ऐसी चीज़ों का सेवन फायदेमंद होता है जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है। बाजरे में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। बाजरे के सेवन से दिल की जुड़ी बीमारियां होने का खतरा कम होता है। हमारा खान पान हमेशा मौसम के अनुसार होना चाहिए। सर्दियों में ऐसी चीज़ों का सेवन फायदेमंद होता है जिससे फाइबर ज़्यादा होता है और शरीर को गर्म रखता है। बाजरा एक ऐसा ही आहार है जो पचने में भी आसान होता है और इसके फायदे भी हैरान करने वाले होते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल टच लाइव ब्यूटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सर्दियों में रखें शरीर को गर्म। सर्दियों के मौसम में बाजरे का सेवन विशेष फायदेमंद होता है। इसके कारण यह है कि इसकी तासीर गर्म होती है। सर्दियों में बाजरे की रोटी पर घी लगाकर खाएं या बाजरे की खिचड़ी में घी डालकर खाएं। इससे आपका स्वाद भी बेमिसाल होगा। बाजरा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है, इसलिए इसे सेवन से शरीर की तासीर गर्म रहती है और साथ ही सर्दियों में होने वाले आम समस्या या इन्फेक्शन आदि दूर कर देते हैं। कब्ज। बाजरे में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो आसानी से पच जाता है और पाचन क्रिया को तंदुरुस्त बनाता है और साथ ही गैस और कब्ज की समस्या को भी दूर कर देता है। ब्लड प्रेशर। बाजरे की रोटी में पाया जाने वाला नियासिक नामक विटामिन हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे कि दिल की बीमारी का खतरा कम हो जाता है और साथ ही यह मैग्नीशियम और पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है, जिससे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है और साथ ही बाजरे के सेवन से मधुमेह के रोग के खतरे भी कम हो जाते हैं। हड्डियों को बनाए मजबूत। बाजरे की रोटी हड्डियों को मजबूत बनाने में एक अहम भूमिका निभाती है। बाजरे में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। इस प्रकार से हम बाजरे का सेवन करके अपने शरीर को अच्छी ताकत प्रदान कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में बताएं और साथ में बताएं कि और किस टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों।